हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? और यहाँ देखिए, आशी जी को ठंड लग रही है तो उसने क्विल्ट वगैरह ओढ़ा हुआ था। और ये रही आशी जो बमुश्किल पढ़ने बैठी हैं। और ये रहा इनका गुन्नू। तो ये लाई थी नीचे से कुछ सामान, तो वो चेंज करवाना है। और ये खड़ी नहीं हो रही है तो मैं इनसे कह रही हूँ खड़ी हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी। और मैंने डाली है आज दाल, तो यहाँ बनाई है मैंने मखनी दाल। तो देखती हूँ अभी वो बनी है या नहीं बनी है। तो फिलहाल मुझे नीचे से कुछ सामान लेना है तो वो मैं लेकर आती हूँ। और मैं इस मैडम से कह रही हूँ कि तुम जाके ले आओ, तो ये नहीं जा रही है और मुझे जाना पड़ेगा इसके साथ। वो पॉलिथीन उठाओ। मुझे अकेले जाना अच्छा नहीं लगता। हैं, अकेले जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ, साथ में दो चार लोगों को भेजेंगे तुम्हारे साथ, ठीक है? तो यहाँ ये मैडम जी लॉक लगा रही है, देखो लगा पाती है नहीं। इनसे लगता नहीं है वैसे लॉक। देखिए ये क्या कह रही है, वीडियो के दम पे मैंने लॉक लगा ही लिया। क्या कह रही है? आइए, लिफ्ट आ भी गई। मम्मी जाना चाहती ना सीरियो से। क्या कह रहे हो मम्मी? आशी जाएगी सीरियो से और मैं जाऊंगी लिफ्ट से। अच्छा, ऊपर आने में प्रॉब्लम होती है, नीचे जाने में प्रॉब्लम नहीं होती। तो फिर कह रही हूँ आपसे तुम लिफ्ट से। मैं तो एक दिन में ही पतली हो जाऊंगी। आई गई बस। तो यहाँ मैं ले आई हूँ ब्रेड चाहिए थी मुझे, और एक दो बिस्किट के पैकेट चाहिए थे, और एग चाहिए थे। तो बस यही सामान मैं लेकर आई हूँ। और आशी की हवा पता नहीं क्यों टाइट हो गई, क्या हुआ यार? हमने आज क्यों बनाई मम्मा? क्यों? और दाल भी मेरी बन चुकी है, तो बस इसको तड़का मारना है अभी। और घर में प्याज टमाटर ख़त्म है, तो ये आएंगे तो लेते हुए आएंगे। तो बस इसमें तड़का रह गया। और अब आशी मांग रही है मुझसे चाय, तो वो इसलिए मांग रही है क्योंकि लेकर आई है मैडम जी ये छोटे छोटे से दो बिस्किट के पैकेट। और अखोर आशी चाय पीती है तो बिस्किट के दम पे ही पीती है। यस, एब्सोल्युटली राइट। देखिए चटोरी को, अभी दाल में तड़का नहीं है लेकिन चटोरी ने हम दाल डाल के खाएंगे ना। ये देखिए, देखो आप क्योंकि इनको खाना है कुछ और। कुछ और? और यहाँ पर ना ये ऑयल ख़त्म हो गया है इसके अंदर, तो मैं इसकी ये उठा रही हूँ नोज़ल, और इसमें ऑयल डालना है मुझे। तो पहले मैं इस बॉटल को ओपन कर लेती हूँ। और रिफाइंड में डाल चुकी थी इसमें, तो मुझे यहाँ पे डालना है मस्टर्ड ऑयल। और यहाँ इसमें मैंने ऑयल भर दिया है। और दाल वगैरह यूज हुई नहीं है तो वो मैंने फ्रिज में रख दी है, या तो सुबह उसको तड़का लगा दूंगी या कल रात को डिनर में कर लूंगी। तो यहाँ फिलहाल मैं किचन समेट रही हूँ। और मैंने इसको ढका है इसलिए कि रात में कीड़े मकोड़े वगैरह घूमते हैं, तो ये ढका रहेगा तो ज़्यादा सेफ रहते हैं। और अब मॉर्निंग में मैंने यहाँ पे आलू बॉईल करे हैं, तो मैं बना रही हूँ पूड़ी आलू। तो आलू उबालने हैं, अब मुझे मलना है आटा। तो पहले मैं गैस पे कपड़ा मार लूँगी कि गंदी हो रही है, तो फिर काम करने में गुस्सा तो आता है गंदगी देख के। मुझे यहाँ पर आलू छिलने हैं और मिर्च चॉप करनी है, तो मैं पहले ये कर लेती हूँ क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग है और मैं हाथ से काटती हूँ तो फिर जलन होती है हाथों में। पहले मैं बना रही थी सूखे आलू, तो बच्चों को चाहिए तरी वाले आलू, तो इसके लिए मैं बना रही हूँ यहाँ पर। तो
तो मैंने यहाँ पे टमाटर चॉप कर लिए हैं और आलू भी छील लिए हैं। हरी मिर्च, आलू सब कुछ तैयार करके मैंने यहाँ पे रख लिया है। धनिया भी काट के रख लिया मैंने। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पे। अब मैं इसमें डालूँगी ऑयल। मैंने इसमें सारे मसाले डाल दिए हैं। तो यहाँ मैं अदरक चॉप कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम कच्ची अदरक खाते हैं, खाने में वैसे ही बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ मैं पोटैटो मैशर की हेल्प से पोटैटो मैश कर रही हूँ, क्योंकि पहले मुझे सूखे बनाने थे तो बच्चों को चाहिए तरी वाले, तो उसमें घुटे हुए डलते हैं। और यहाँ सब्जी बनने रख दी है मैंने उबाला आने के लिए। और इसमें हमने डाला है एक पैकेट मैगी मसाला, क्योंकि बच्चों को वो डलता है तो ज़्यादा टेस्टी लगते हैं आलू। तो मैं यहाँ मल रही हूँ पूड़ी का आटा, और आटे में मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च। धनिया की पत्तियाँ। और यहाँ इसमें है धनिया, हरी मिर्च और अजवाइन, नमक, बेसन और आटा। तो मैं इसका पूरी का आटा मल लूँगी। और पूरी का आटा मलकर तैयार है। और इस तरह से आप ट्राई कीजिएगा, पूरी का आटा बहुत ही अच्छा बनता है। और सबको मैंने नाश्ता करा दिया है, तो मैं यहाँ पे कर रही हूँ ये आलू की सब्जी और पूरी और अदरक का अचार। तो आज ही आप ही कर लीजिए नाश्ता। और उसके साथ ये स्विफ्ट भी आई है, और साथ में एक नाइफ है और हीटर है। ये मुझे याद नहीं, शायद मैंने 350 का ऑर्डर किया है, तो उसमें ये चारों चीज़ें मिली हैं मुझे। तो मैं इसको ऑन करके देखती हूँ पहले कि ये सही है या नहीं है, नहीं तो फिर मैं इसको रिटर्न में वापसी के लिए डाल दूँगी। तो यहीं पर मैंने इसे ऑन करके देख लिया है, तो ये ठीक है। अब प्लग निकालना चाहिए उसमें से। और ये गर्म भी हो रहा है, तो बस मैंने कहा चेक कर लेती हूँ, नहीं तो इसको रिटर्न कर दूँगी। और ये मैडम जी देखिए, जो कि लेटी हुई हैं, और ये पढ़ती भी लेट गई हैं, पता नहीं कौन सी पढ़ाई पढ़ती हैं लेट के। और आशीष इसमें अपनी उंगल रख के देख रही है, तो मैं कह रही हूँ इसे थोड़ा पहले गरम कर लो और इसमें ऑयल डाल लो, फिर देखो फ्राई करके कैसे लगता है ये गरम है, हो रहा है या नहीं हो रहा। क्या कह रही हो? आपको किसे रखा है मैंने? आप क्या बोलते हो? ये तो तुमने, तुम्हें किसे रखा है मैंने? तू किस लिए है यहाँ पे? डालो तो इसमें, हाथ डालो। और यहाँ आशी को लगी है भूख, तो उसने बनाया है यहाँ पे ब्रेड जैम। तो ये रही देखो। तो ये खा रही मेरी चटोरी ब्रेड, और मैं इसको मना कर रही हूँ कि मत खाओ, क्योंकि अब खाने का टाइम हो जाएगा तो फिर भूख मिट जाएगी। तो ये खा रही है, ये देखिए मुझे किस तरह से देख रही है, क्योंकि ये मुझे मना कर रही थी वीडियो मत बनाओ, मैंने इसकी वीडियो बना दी। यहाँ सूखी सब्जी भी बना रही हूँ मैं करेले, तो आज मैं बेसन वाले करेले बना रही हूँ। तो इसके लिए पहले मैं छिल रही हूँ ये लहसुन, और प्याज मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, तो पहले मैं ये लहसुन छिल लेती हूँ। और यहाँ मैं बना रही हूँ करेले में भरने के लिए स्टफिंग, तो मैंने इसमें प्याज और लहसुन को सौते कर लिया था, उसके बाद मैंने इसमें बेसन डाला है, और इसमें हल्दी, नमक और मिर्च डाली है मैंने इसमें भी। बस अब मैं इसको सौते कर रही हूँ, तो उतना करना है हमें जैसे कि खुशबू आने लगती है ना बेसन की, तो उससे पता चल जाता है कि ये अब पक चुका है या नहीं पका है।
तो अभी मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, हल्की हल्की खुशबू इसमें आने लगी है, तो मैं इसे अच्छे से खुशबू आने तक इसमें सौते करूँगी। तो मैंने इसे अभी गैस को फुल कर दिया है और मैं 2 मिनट फुल पे पकाऊँगी। फुल पे पकाने पे ये डर लगता है इसमें कि जलने सा लगता है, सिम पे अच्छी बनती है चीज़ ये। तो मैं 2 मिनट फुल पे कर रही हूँ, फिर सिम पे कर देती हूँ, फिर फुल पे, फिर सिम पे। और जब इसकी पिट्ठी बच जाती है, जो मैं इसकी स्टफिंग डाल रही हूँ, तो ये मैं रोटी के अंदर इसको स्टफ करके बना लेती हूँ, तो वो भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में। तो आप इसको अगर बच जाए तो आप उसे रोटी के अंदर उसको परांठे की तरह सेक लीजिएगा, तो अच्छी बनती है वो। जैसे लोग सत्तू भी खाते हैं, सत्तू की रोटी वगैरह, तो उस तरह से बन जाती है ये। आपके पास अगर सत्तू है तो आप सत्तू को भी यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे मम्मा ने करेले को अच्छी तरह से धो लिया और इसके अंदर मसाले भर रही हैं, स्टफिंग कर रही हैं, एक करवी चटनी। और बेसन है इसमें तो वैसे भी नुकसान नहीं देता, शुगर वगैरह में बेसन और करेला वैसे ही बहुत अच्छा होता है। और मैं इसी तरह से सभी करेलों को इस तरह से भर लूँगी, फिर इन पर मैं रील लगा के इनको फोल्ड कर लूँगी, जिससे ये बैटर निकले ना। और ये मैं इस तरह से इसे फोल्ड कर रही हूँ रील लगा के, और मैं यहाँ डाल चुकी हूँ बाकी। तो मैं सिम पे इसे ढक के पहले फ्राई होने तक पकाऊँगी, जब ये ब्राउन हो जाएंगे तब मैं गैस थोड़ी बंद कर दूँगी, थोड़ी बंद कर दूँगी थोड़ी। तो आप ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही अच्छे बनते हैं, हेल्दी टेस्टी एंड हेल्दी। और यहाँ मल रही है मम्मी आटा, और यहाँ मैं बिना बताए मम्मी को, मम्मी ने आटा मांगा था ड्रम से और मैंने इसमें पानी डाल के अपना हाथ डाल दिया, और मम्मी मुझे देख रही है घूर घूर के। और यहाँ पे मैंने आटा भी मल दिया, और यहाँ पे मम्मी ने दाल को तड़का भी लगा दिया, और यहाँ देखो थोड़े से करेले भी ब्राउन हो गए हैं। और करेले क्रिस्पी हो चुके हैं, बन चुके हैं, तो मैं इनको हटा के यहाँ पे अब रोटी के लिए तवा रख रही हूँ। और मैं भूल गई थी इसे फुल पे रख के, तो थोड़े से ज़्यादा हो चुके हैं ये, और मेरे करेला में कुछ गड़बड़ हो ही जाती है। और यहाँ खाना बनके भी तैयार है, अदरक का अचार, अदरक दाल रोटी और करेला। आइए आप भी खा लीजिए, यम्मी यम्मी टेस्टी टेस्टी वगैरह सब हो चुका था। तो बस यहीं तक था हमारा वीडियो, और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो।